तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है कॉन्सक्रेशन। ये प्रॉपर हॉरर मूवी है जो कि बहुत ही बढ़िया फिल्म है, देखने में आपको मजा आ जाएगा। और हाल ही में मैंने द लास्ट ऑफ अस सीरीज को एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। 9 stars out of 10 की IMDb रेटिंग है और 100% रॉटन टोमेटोज के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी पसंद आएगी। आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक ग्रेस नाम की लड़की को, जो कि रास्ते से कहीं पर जा रही होती है और बोल रही होती है कि उसका भाई कहता था कि ग्रेस का कोई ना कोई गार्डियन एंजल जरूर होगा, जिस पर पहले उसका यकीन नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिलहाल वो श्योर नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। और तभी उसके सामने एक नन आकर खड़ी हो जाती है, जो कि उसको शूट करने वाली होती है, और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम कुछ दिन पहले की कहानी को देख पाते हैं, जहाँ पर ग्रेस प्रोफेशन से एक आई डॉक्टर है और उसकी एक पेशेंट उसके पास आई हुई थी, जिनकी आईज में अब काफी प्रॉब्लम थी, और वो उनको अपने सीनियर डॉक्टर के पास में रेफर कर देती है और उसे उस लेडी से काफी हमदर्दी भी होती है, जिसको वो जाते हुए देखती भी है। अब वो अपने फ्रेंड और टीचर जॉन से बात करके घर चली जाती है। खैर, घर पर वो अकेली रहा करती थी और काम करते वक्त लाइट्स अपने आप ही फ्लिकर हो जाती हैं और उसे कुछ आवाजें भी आने लगती हैं। और जब वो इधर उधर देखती है तो उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसके और उसके भाई के बचपन की पिक्चर पर उसके भाई की इमेज के ऊपर खून लगा हुआ था और मिरर में उसे अपने पीछे कोई नन दिखती है, जिसका वो चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन तभी अचानक से ही उसके पास में एक कॉल आता है, जहां पर उसको डिटेक्टिव हैरिस ये बताते हैं कि स्कॉटलैंड के कॉन्टिनेंट में उसके भाई की बॉडी मिली है, जिसका खून हुआ है या फिर उसने खुदकुशी करी है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। और अपने भाई की मृत्यु की इस खबर को सुनकर उसे बहुत दुख होता है। अब वो स्कॉटलैंड पहुँच कर डिटेक्टिव हैरिस से मिलती है, जो कि उससे ये कहते हैं कि अभी उसके भाई माइकल की तो ऑटोप्सी चल रही है, जिसकी बॉडी उसको बाद में देखने को मिलेगी, और तब तक वो जाकर उसे उसका डेथ वाला स्पॉट दिखा देता है। खैर, अब रास्ते में हैरिस उसको बताता है कि रोम से एक फादर कैरोल आए थे, जिनकी बॉडी चैपल के पास मिली थी, लेकिन माइकल की बॉडी रुइंस के पास नीचे थी, जिससे उसका शक ये है कि उसने फादर को मार दिया और फिर खुद रुइंस से जंप करके अपनी जान दे दी, जिस पर ग्रेस को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। अब हैरिस उससे ये भी पूछता है कि माइकल चर्च में कब आया था, लेकिन वो कहती है कि वो उसके टच में काफी टाइम से नहीं था, तो उसको इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। खैर, अब हैरिस उसको एक और चीज बताता है कि कॉन्वेंट की एक नन ने ये दावा किया था कि उसने डेविल को देखा और उसी वक्त उसने अपनी आंखें फोड़ने की कोशिश करी, लेकिन जब वो अपनी दूसरी आंख फोड़ने वाली थी तो उससे पहले ही उसको रोक दिया गया। खैर, अब वो दोनों कॉन्वेंट आ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें मदर सुपीरियर मिलती है, जो कि कहती है कि माइकल पर डीमन हावी हो गया था, जिसने पहले फादर कैरोल को मारा और माइकल ने उसे लड़ने की कोशिश करी, लेकिन बाद में उसने खुद की ही जान दे दी। और ग्रेस ये पूछती है कि ये उसे कैसे पता, जिस पर वो कहती है कि उसने इनडायरेक्टली ऐसा अपने विजन्स में देखा था। खैर, अब मदर सुपीरियर की इन बातों से ग्रेस उसे चिढ़ जाती है और उसको थोड़ा बुरा भला कह देती है, जिसको हैरिस रोकता है, और उसको अभी कुछ दिन यहीं पर रुकना था, इसलिए वो उसको रोक रहा था। खैर, वो ग्रेस को उसी स्पॉट पर लेकर जाता है जहाँ पर माइकल मारा गया था, जो कि एक ओल्ड बिल्डिंग का मलबा था, और यहाँ से नीचे सी था, जिसके पास पत्थरों पर माइकल की बॉडी मिली थी। अब वो माइकल की बॉडी देखती है और उसको चेक करती है, लेकिन तभी उसे माइकल दिखाई देता है, जो कि उससे ये कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है और वो यहाँ से चली जाए, और वो तभी बेहोश हो जाती है। यानी कि उसको अजीब अजीब से विजन्स आ रहे थे। अब उसको कॉन्वेंट के हॉस्पिटल में होश आता है, जिसके पास एक सिस्टर मैग खड़ी हुई थी, और अब वहाँ पर फादर रोमेरो आते हैं, जिन्हें वेटिकन ने भेजा था इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्योंकि इस चीज से चर्च का भी नाम खराब हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर फादर कैरोल भी मारे गए थे। फादर रोमेरो ग्रेस से बात करने लगते हैं और वो उनसे कहती है कि माइकल की बॉडी पर कहीं भी सैंड नहीं था, एज वो नीचे गिरा था तो मिट्टी उसके ऊपर होनी चाहिए थी, और ऑटोप्सी के लिए साफ भी करते तो बालों में तो मिट्टी होनी चाहिए थी, इस पर फादर उससे कहते हैं कि वो ये बात भी इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। अब वो उससे पूछते हैं कि उसके घर में कोई और भी तो होगा जिसको खबर करनी होगी, इस पर वो कहती है कि उसकी मदर अब नहीं रही, जिनको खत्म करने के जुर्म में उसके फादर फिलहाल जेल के अंदर हैं। अब यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है ग्रेस के बारे में, कि वो स्ट्रांगली एथियस्ट है, यानी कि वो किसी प्रकार के गॉड, शैतान या किसी भी चीज में यकीन नहीं करती। खैर, अब वो सो जाती है और उसको एक विजन आता है, जहाँ पर सेंचुरीज पहले एक लड़की होती है जिसने डेविल मास्क लगाया हुआ था और लोग उसे घेर कर बैठे हुए थे, और शायद यहाँ पर कोई रिचुअल होने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर नाइट्स आ जाते हैं, जिससे सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और तभी ग्रेस की नींद खुल जाती है।
खैर अब तभी वो टैक्सी से उसी स्पॉट को देखने जाती है जहाँ पर माइकल की बॉडी मिली थी। लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो शॉकिंगली उसको पूरा का पूरा मलबा सही सलामत मिलता है और वहाँ से एक के बाद एक नंस नीचे गिरकर खुद को खत्म कर रही होती है। अब ये सारे विजन्स को देखकर वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो कॉन्वेंट के अंदर थी और वो खुद को नन वाले कपड़ों में पाती है। अब वो बाहर जाती है तो सभी का लंच चल रहा होता है और वो मदर सुपीरियर से कहती है कि उसके भाई को गिरने से पहले चोट लगी हुई थी, जिस पर मदर पूछती है कि ये वो कैसे जानती है। लेकिन फिलहाल उसके पास में इस बात का कोई भी ठोस जवाब नहीं होता और वो ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि गॉड की कृपा हो सकती है। इवन वो गॉड के बारे में बात तक नहीं करती थी, यानी कि उसको अपने विजन्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। खैर वो अपने कपड़ों के बारे में पूछती है, जिस पर मदर सुपीरियर ये कहती है कि उन्होंने वो कपड़े धुलने दिए हुए हैं और तब तक वो ये नए मले ड्रेस में काम चला ले। अब तभी वहाँ पर फादर रोमेरो आते हैं और ग्रेस को अपने साथ उस मलबे वाली जगह पर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह असल में 12th सेंचुरी में यहाँ पर एक चर्च हुआ करती थी, लेकिन फिर वो टूट गया था और इसी चर्च के पत्थरों को उस चैपल के अंदर लगाया गया है जहाँ पर वो कॉन्वेंट है। फादर रोमेरो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर शायद से कोई ईविल फोर्स भी थी जिसने नंस की जान ले ली थी और ये उसे नहीं पता, ये बस इतिहास के अंदर दफन है। इनफैक्ट यहाँ पर एक कन्फेशन ब्रिक भी था जिस पर क्रूसिफिक्स और उसके ऊपर स्नेक भी था और यहाँ से नंस अपने कन्फेशन किया करती थी और जो अंदर से बुरी हुआ करती थी वो सीधा नीचे गिर जाया करती, यानी कि नीचे कूद जाया करती थी और शायद वही एक झलक ग्रेस ने भी देखी थी। अब वो दोनों वापस कॉन्वेंट आ जाते हैं और यहाँ पर फादर रोमेरो ये कहते हैं कि ग्रेस का शक सही था और माइकल की बॉडी को धोया गया था पोस्टमार्टम से पहले, जिसके बारे में डिटेक्टिव हैरिस पूछताछ करने आएंगे और उनका भी इस केस पर पूरा ध्यान है। यहाँ पर चर्च की रेपुटेशन का भी सवाल था। खैर फादर रोमेरो उसे माइकल का सामान देते हुए ये कहते हैं कि शायद उसके अंदर उसको कुछ मिल जाएगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो सामान को देखती है तो उसके अंदर उसे माइकल का जर्नल मिलता है जिसको वो पढ़ने लगती है और इसके अंदर राइटिंग जो थी वो बहुत ही अजीब सी सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, लेकिन ग्रेस उसको पढ़ पा रही थी। और यहाँ पर हमें जर्नल से ये पता चलता है कि ग्रेस असल में अडॉप्टेड थी जिसे पहले का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजों को देख सकती थी जो कि कोई और नहीं देख सकता था, यानी कि ये उसके जो विजन्स थे वो उसके लिए वरदान थे या फिर अभिशाप, ये तो हमको थोड़ी देर में ही पता चल पाएगा। खैर अब तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ग्रेस के घर खबर आती है कि उसके अडॉप्टेड डैड की शिप डूबने से जान चली गई है और बॉडी अभी मिलनी बाकी है। खैर प्रेजेंट टाइम में ग्रेस को रूम में रखे हुए मिरर के अंदर कोई नन कहीं पर जाती हुई दिखाई देती है, जबकि असल में डोर तक बंद था और वो डोर ओपन करके बाहर देखने जाती है कि वहाँ पर कौन है। अब यहाँ पर हम मदर सुपीरियर और बाकी कुछ नंस को देख पाते हैं जिनके पास में फादर रोमेरो आते हैं, जो कि उन पर गुस्सा करते हैं कि वो लोग डीमंस वगैरह की कहानियां पुलिस को सुना रही हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और मदर सुपीरियर कहती है कि उन्हें ग्रेस को वो किताब नहीं देनी चाहिए थी और वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जिस पर वो कहते हैं कि वो ग्रेस को देख लेंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। और यहाँ पर उन लोगों को कोई प्रेजेंस भी फील होती है। अब अपने रूम में ग्रेस आगे की जर्नल को पढ़ती है जहाँ पर माइकल ने लिखा हुआ था कि उस रात उसके डैड के जाने के बाद में ग्रेस ने उन्हें बचाने के लिए प्रेयर्स करी थी, जिसके बाद उनकी लाइफ में अचानक से ही डार्कनेस आ गई। और हम उसी फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस रात ग्रेस के डैड तो सही सलामत वापस आ गए थे, लेकिन उसकी प्रेयर्स गॉड ने नहीं बल्कि किसी और ने ही सुन ली थी। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, ग्रेस अब सिस्टर मैग को कहीं पर जाता हुआ देखती है और उसके पीछे पीछे जाती है तो सिस्टर मैग अपने दोनों हाथों के नसों को काट कर अपनी जान दे रही थी, लेकिन ये असल में ग्रेस के विजन्स थे और सिस्टर मैग सही सलामत थी और वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं। अगले सीन में ग्रेस अपने फ्रेंड जॉन को कॉल करके उससे बात करती है जहाँ पर वो बोलती है कि उसे कुछ विजन्स आते हैं और ये बातें मदर सुपीरियर सुन लेती है, जो कि कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, लेकिन ग्रेस उनसे दूर रहने का कहती है क्योंकि वो उनसे चिढ़ चुकी थी। खैर अगले सीन में डिटेक्टिव हैरिस मदर सुपीरियर से पूछताछ कर रहे होते हैं जहाँ पर वो ये बात एक्सेप्ट करती है कि उसने ही माइकल की बॉडी को साफ किया था ताकि गॉड को सही से उसको प्रेजेंट किया जा सके, और माइकल ने जो कुछ भी किया था वो उसको पजेस करने वाले डीमन ने उसे कराया था, जिस पर हैरिस तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। एस फादर कैरोल की बॉडी चैपल में मिली और माइकल्स नीचे रॉक पर पड़ा हुआ था और यहाँ पर कोई भी चीज उनके लिए सीधा सेंस नहीं बना रही थी। ऑब्वियस ही बात है कि उनको पजेशन डेविल डीमन में यकीन नहीं था। इधर ग्रेस अब फादर रोमेरो से थोड़ी बहुत बात करती है और वो कहते हैं कि जर्नल में कोई एंशियंट लैंग्वेज लिखी हुई है, जिस पर वो कहती है कि असल में वो उनके लिए कोड वर्ड्स वाली भाषा है जिसे उन दोनों ने मदर के जाने से पहले शुरू किया था और माइकल उस लैंग्वेज में इसलिए लिखता था ताकि उसको उसके अलावा कोई और समझ ना पाए। एंड आई एम श्योर कि अभी तक आपके मन में ये सवाल चल रहा था कि यहाँ पर जर्नल किसी और ने क्यों नहीं पढ़ा, यानी कि डिटेक्टिव हैरिस ने या फिर फादर रोमेरो या फिर किसी और ने, तो सीधा सा मतलब यही है कि ये कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था जिसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेस समझ सकती थी।
अब वो वापस अपने रूम में आकर उसे जर्नल को पढ़ने लगती है, जिसके अंदर माइकल ने ये लिखा हुआ था कि ग्रेस ने हमेशा उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन डार्कनेस उनके लाइफ में वापस आ ही जाती थी। अब हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर उन दोनों के फादर जब से वापस आए थे वो बदल गए थे। वो उन दोनों को उनकी मदर को हमेशा केज में बंद करके रखते थे। अब यहाँ पर एक अजीब बात ये थी कि वो हमेशा गॉड में बिलीव किया करते थे और काफी शांत थे, लेकिन वापस आने के बाद में वो इविल हो गए थे और काफी अजीब बिहेव कर रहे थे। खैर, अब ग्रेस उनको वॉशरूम जाने का बोलती है और वो उसको वहाँ पर लेकर जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो काफी ज्यादा ईविल, एग्रेसिव और बहुत ही ज्यादा अजीब हो गए थे। तो वहाँ पर ग्रेस की मदर पीछे से भागने की कोशिश करती है, जिसको वो पकड़ लेते हैं और उसको स्टैब करके जान से मार देते हैं। अब ग्रेस ये देखकर छुप जाती है और वो उसे ढूंढ कर उसको भी मारने आते हैं, लेकिन तभी उन पर कोई अटैक करके उनको बेहोश कर देता है। लेकिन ग्रेस के फादर को उसकी माँ के खून के जुर्म में जेल हो जाती है और दोनों बच्चे आजाद थे, लेकिन फिलहाल वो अनाथ हो चुके थे। खैर, प्रेजेंट टाइम में ग्रेस अब फादर रोमेरो के पास में जाती है और चर्च के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का कुछ काम चल रहा था, और ग्रेस बताती है कि उसे और माइकल को बचपन में इसी चर्च ने अडॉप्ट करने की कोशिश करी थी, जिसके बारे में वो भूल तो गई है, लेकिन माइकल को ये सब याद रहा और इसलिए ही शायद वो यहाँ पर आया होगा। जिस पर रोमेरो कहते हैं कि मदर सुपीरियर ने बताया था कि उसका भाई यहाँ पर असल में किसी ट्रुथ की खोज में आया था, किसी रेलिक के बारे में पता करने के लिए, जो कि ओरिजिनल चर्च में रखा हुआ था, लेकिन 1993 के अर्थक्वेक में चर्च तबाह हो गया था और रेलिक पानी में डूब गया, और वो रेलिक जो भी था वो एक ईविल फोर्स को पजस करता था, जिससे चर्च की रेपुटेशन भी खराब हो रही थी, और जो लोग थे उस रेलिक के इन्फ्लुएंस में आकर उसकी पावर्स का गलत यूज तक करने लगे थे, और बाकी की सटीक जानकारी उसको किताबों में मिल जाएगी। खैर, ये सब तो ठीक था, लेकिन तभी हम उस नन को जिसने अपनी आंखें डेविल को देखने के बाद में निकाल दी थी, वो हमेशा ग्रेस पर अजीब तरह से नजर रख रही थी। खैर, तभी हमको एक फ्लैशबैक की झलकी दिखाई जाती है जहां पर ग्रेस और माइकल को बचपन में चर्च गोद लेने वाला था, जिनको एक नन और एक प्रीस्ट अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन वो माइकल को रास्ते पर ही छोड़कर ग्रेस को ही अपने साथ ले जाने लगते हैं, और प्रीस्ट उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और शायद यहां की इंजरी से ग्रेस उन चीजों को भूल गई होगी। अब ग्रेस एंशिएंट बुक्स को पढ़ने लगती है और एक किताब में वही लैंग्वेज लिखी हुई थी, मींस जो भाषा ग्रेस और माइकल यूज किया करते थे वो उनकी बनाई हुई कोड लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि रियलिटी में एक वक्त पर एग्जिस्ट करने वाली एक एंशिएंट लैंग्वेज थी। अब ग्रेस उस किताब को पढ़ती है जहाँ से उसको पता चलता है कि मॉर्निंग स्टार के नाइट्स ने एक बच्ची को कैद किया था, जिसको वेसल ऑफ डार्कनेस कहा जाता था, और हम देख पाते हैं कि जिस सेंचुरी पुराने फ्लैशबैक में वो बच्ची किसी रिचुअल में थी उसको ही कैद किया गया था, जिसने कि डेविल मास्क लगाया था। अब ग्रेस को कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो बेसमेंट में जाती है जहां पर एक नन आकर उससे ये कहती है कि उसको मरना होगा, और वही गलत है, वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी कोई इनविजिबल फोर्स ग्रेस को बचा लेती है और उस नन को ही खत्म कर देती है। अब जब ग्रेस यहाँ पर आई थी तो उसने एक टॉर्चर बेड भी वहाँ पर देखा था, जिसे टच करते ही उसको विजन्स आए थे कि माइकल को मदर सुपीरियर, फादर कैरोल और कुछ नंस टॉर्चर कर रही थी और उससे रेलिक के बारे में पूछ रही थी कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो ये कहने लगता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते और यहीं पर माइकल ने फादर कैरोल को मार दिया था। एंड एटलीस्ट हमको एक मौत की सच्चाई तो पता चल गई है, लेकिन माइकल को किसने मारा ये हमको अभी नहीं पता। अब हम देखते हैं कि ग्रेस को हैरिस पूछताछ करने के लिए ले जाता है और वो उसे उस नन के बारे में बताती है कि उसने खुद को खत्म किया था, और अब वो माइकल के बारे में कहती है कि चर्च के लोगों को किसी रेलिक की तलाश है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, और उसके लिए पहले उन्होंने माइकल को यूज किया और अब वो ग्रेस को यूज करना चाहते हैं। लेकिन हैरिस को ये बातें बहुत ही अजीब लगती हैं और एक कहानी लगती है, और वो उसे सेल में डाल देता है, और पहले से मदर सुपीरियर भी सेल के अंदर कैद थी। अब अगले दिन ग्रेस को छोड़ दिया जाता है क्योंकि फादर रोमेरो और किसी नन ने उसके लिए गवाही दे दी थी, हालांकि वो खुद एक्सेप्ट करती है कि वो अकेली थी जब वो नन मरी थी, लेकिन हैरिस उसको एक ही सलाह देता है कि अब वो फ्री है और वो इस चीज का फायदा उठाए और इस जगह से दूर अपने घर चली जाए। खैर, वो अपने डैड से मिलने जाती है जो कि एक जेल में बंद थे, और यहाँ पर वो उनसे बात करने लगती है तो वो कहते हैं कि वो उसके डैड नहीं है, उसके डैड तो अभी भी हेल में है हॉर्न्स के साथ, और इस चीज को वो समझ नहीं पाती। वो आगे कहता है कि ग्रेस ने उसे डेथ से वापस उठाया था, और जब उसने प्रेयर्स करी थी तो वो गॉड ने नहीं बल्कि किसी और ने ही सुन ली थी, और उसके डैड को डार्कनेस ने ही जिंदा किया था, यानी कि उनके अंदर की जितनी भी डार्कनेस थी वो सारी की सारी बाहर आ गई थी, और यही रीजन था कि उन्होंने अपनी ही बीवी को मार दिया। वो उनको बताती है कि माइकल मारा गया है, जिस पर वो कहते हैं कि वो उसको दोबारा जिंदा कर सकती है जैसे उसने उनको किया था, और वो तो मिरेकल भी कर सकती है, जिसे एक मिरेकल की तरह ही वो उन्हें मिली थी बीच के ऊपर, वो भी अकेली घूमती हुई 10 साल की उम्र में, यानी कि जब ग्रेस मात्र 10 साल की थी। इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि वो जहां भी जाती है वहां पर मौत और तबाही उसका पीछा करती रहती है, और अब वो एग्रेसिव होकर उस पर चिल्ला देते हैं और वो वहां से चली जाती है, यानी कि ग्रेस को अडॉप्ट करने वाले उसके डैड उससे काफी नाराज थे।
खैर दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव हैरिस को मदर सुपीरियर से रेलिक और माइकल के बारे में कुछ चीजें पूछते हुए देख पाते हैं, जिस पर वो बताती है कि माइकल को रेलिक मिल गया था और वो उसे चर्च को नहीं देना चाहता था। और यहाँ पर हैरिस को रेलिक की पावर्स का अंदाजा नहीं है और उसे एक बार फिर से प्यूरिफाई करना होगा, क्लेंस करना होगा और कंटेन रखना होगा। और अब मदर सुपीरियर रिवील करती है कि वो रेलिक कोई चीज नहीं है, यानी कि कोई मेटल की चीज या फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक लड़की है जिसका नाम ग्रेस है। जी हाँ, और ग्रेस इस चीज को जानती भी थी कि वो खुद एक रेलिक है और बहुत ही खतरनाक चीज है। लेकिन मदर सुपीरियर फिलहाल कंफ्यूज्ड है कि इस वक्त उसे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है, जिसका रीजन हम जानते हैं कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त थोड़ी सी कम हो गई थी। अब हम देखते हैं ग्रेस को जो कि चैपल में आती है जहां पर कॉन्जर्गेशन चल रहा था, और वो आगे जाती है तो उसे गार्डन में मैग मिलती है, यानी कि नन मैग, जो कि उसको बोलती है कि मदर सुपीरियर ने बोला था कि ग्रेस ही उनके अंत की जिम्मेदार होगी, और जिस नन ने डेविल को देखकर अपनी आंखों को खराब कर लिया था वो वहां पर आकर ग्रेस को खत्म करने वाली होती है। लेकिन तभी कोई इनविजिबल फोर्स फिर से ग्रेस को बचा लेती है और उस नन की रिस्ट को ही तोड़ देती है। खैर अब नन मैग ये सब देखकर भागने लगती है और आगे जाकर अपने दोनों हाथों के नसों को काट कर अपनी जान दे देती है, और यही विजन ग्रेस ने पहले देखा था, यानी कि वो फ्यूचर को देख सकती थी साथ ही साथ पास्ट को भी। खैर अब वो मिरर में देखती है तो नन के रूप में ब्लड से लथपथ उसे वही दिखाई देती है, और अब परेशान होकर वो वहाँ से भागकर चैपल में आती है और बोलती है कि उसे आगे होने वाली चीजें दिखने लगी हैं, उसके साथ कुछ बहुत ही गलत है। और तभी वो फादर रोमेरो से हेल्प मांगती है कि वो उसको ठीक कर दे, और सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है और वो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती, लेकिन सब कुछ गलत होता जा रहा था। और तभी फादर रोमेरो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब वो उसको एक चेम्बर में ले जाते हैं जहाँ पर वही एंशियंट लैंग्वेज लिखी हुई थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो कहानी जाती है वही सेंचुरीज पहले जहाँ पर वो बच्ची पकड़ी गई थी और उसको ही चर्च में कैद करके रखा गया था, जो कि एक रेलिक है। और असल में वो बच्ची कभी एज हुई नहीं थी, बल्कि 93 में चर्च टूटने पर वो पानी में जा गिरी थी और रिहा हो गई थी, जिसे एक आदमी ने गोद ले लिया, और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है। और ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि द डेविल हिमसेल्फ ल्यूसिफर की बेटी है, और इसलिए ही उसके एडॉप्टेड डैड ने ये कहा था कि उसके असली पिता तो हेल में है हॉर्न्स के साथ में, यानी कि उसके असली पिता डेविल हैं, और यही रीजन है कि उसको चर्च के अंदर पहले कैद करके रखा गया था। और अब आपका सोचना होगा कि उसे मारा क्यों नहीं गया, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि उसको मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से शुरुआत में यानी कि 12वीं सदी में उसके ऊपर कोई रिचुअल किया जा रहा था जिससे कि उसको अपनी शक्तियों का पूरा एहसास हो जाता, लेकिन वो रिचुअल पूरा नहीं हो पाया और उसको अपनी शक्तियों का पूरी तरह से अंदाजा नहीं था। खैर अब ग्रेस बाहर आती है और तभी कोई इनविजिबल फोर्स फादर रोमेरो को भी स्टैप कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका इरादा भी यहाँ पर ग्रेस को खत्म करने का था। खैर अब वो भागकर उसी पुराने चर्च में जाती है, अपने सिंस की माफी मांगती है क्योंकि उसे अपने अस्तित्व के बारे में सब कुछ पता नहीं था। अब तभी हैरिस भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब वो नीचे गिर जाती है और पानी में समा जाती है, और उसको गिरते हुए विजन आने लगते हैं। और अब वो देखती है कि जो नन की ड्रेस में लड़की वो अपने आसपास में देखा करती थी, जिसकी आहट होती थी, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि वो खुद ही है, और उसने ही खुद को हमेशा बचाया, यानी कि उसकी जो शक्तियाँ थी वो बाहर आ गई थी, जो कि सबकॉन्शियसली हो रहा था, यानी कि बचपन में, अभी और जब उसके डैड उसको मारने वाले हैं तब भी उसने ही उसको बचाया था, यानी कि उसकी शक्तियों ने उसको बचाया। और इन शक्तियों का जो रूट कॉज है वो कोई और नहीं बल्कि लूसीफर है। इनफैक्ट उसके डैड को भी जिंदा लूसीफर ने किया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब लूसीफर की बेटी अपने डैड से रिक्वेस्ट करेगी तो उसको तो मन नहीं पड़ेगा। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जिस डैड ने उसको अडॉप्ट किया था वही यहाँ पर इविल हो गए थे, और यही रीजन था कि वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि उसके डैड तो हेल में है, उनके हॉर्न्स हैं और ये सब चीजें। कहीं ना कहीं वो जानते थे कि उसकी वजह से ही उसकी बीवी की जान गई। लेकिन जो ग्रेस का ये रूप है जो कि उसको बचपन से बचाता आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वो उसका आज का ही रूप है, यानी कि उसका फ्यूचर सेल्फ है। और यहाँ पर जो इसका टाइम है वो बहुत ही स्लोली चलता है, यानी कि ये बड़ी बहुत ही धीरे धीरे होती है। अब बात करें वो नन की ड्रेस और खून लगा हुआ, तो यहाँ पर ये टाइम ट्रेवल वगैरह नहीं हुआ है बल्कि यहाँ पर ह्यूमंस के लिए टाइम होता है, लेकिन डेविल या फिर उसकी बेटी के लिए टाइम बहुत ही धीरे बीतता है, या फिर ये कहें कि नामात्र के लिए है। एक और चीज की ग्रेस का ये वाला ही रूप उसके सामने क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं, यानी कि 10 साल पहले का या फिर 6 महीने पहले का क्यों नहीं, तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि उसका सबसे मोस्ट पावरफुल रूप उसके सामने आ रहा था जो कि उसको बचाने में लगा हुआ था, बेसिकली उसकी शक्तियों की चरम सीमा आप कह सकते हो इस रूप को, और ये उसको अब हर जगह प्रोटेक्ट करेगा, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, हर जगह जा सकता है ये।
अब कई दिन पहले जब माइकल को एक चर्च के अंदर मदर सुपीरियर और कुछ नंस के द्वारा टॉर्चर किया गया था, उसके अंदर पाप नहीं था। और यहाँ पर मदर सुपीरियर और कुछ नंस उसको टॉर्चर करके रेलिक यानी कि ग्रेस के बारे में पूछ रही थी, लेकिन वो सीरियसली नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। और उसी वक्त हमने ग्रेस के घर पे ये देखा था कि वहाँ की सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, जिसका सिंपल सा मीनिंग ये था कि उसकी शक्तियों को एहसास हो गया था कि उसके भाई के साथ में कुछ गलत होने वाला है, और वहाँ पर उसने अपने बड़े रूप को भेजा था उसकी रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर माइकल जानता था कि वो अगर बच जाएगा तो उसके अंदर फिर से डार्कनेस आएगी, बिल्कुल उसके फादर जैसी, और ग्रेस भी सेफ नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर वो बच गया तो उसके जरिए नंस या फिर मदर सुपीरियर या फिर फादर वगैरह जो हैं, वो यहाँ पर उसकी बहन का पता उसे उगलवा ही लेंगे। और यही रीजन था कि उसने नीचे जंप करके खुद की जान दे दी थी, यानी कि उसको किसी और ने नहीं मारा और उसने खुद को ही खत्म कर लिया था। खैर, अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पर डिटेक्टिव हैरिस अपने लोगों से पूछता है कि उन्हें ग्रेस मिली या फिर नहीं, मींस पानी में गिरने के बाद से वो मिली नहीं रही थी और वो जिंदा है या फिर मर गई उसको नहीं पता। अब मदर सुपीरियर से वो आखिरी टाइम पूछता है कि उन्होंने ग्रेस के साथ क्या किया, तभी वो ये कहती है कि वो मरी नहीं है बल्कि उसके अंदर तो बहुत पावर्स हैं जिससे वो ईविल को बढ़ा देगी और उसको रोकना पड़ेगा, यानी कि वो जानती थी कि वो मर नहीं सकती। तभी हम ग्रेस को देखते हैं जो कि जिंदा थी और जॉन के साथ थी, जो कि उसको बताता है कि उसकी पेशेंट की आंखें मिराकुलसली ठीक हो गई थी, यानी कि स्टार्टिंग में जिसने उसको रेफर किया था, और हम देखते हैं कि उस दूसरी ग्रेस ने ही उनकी आंखें ठीक कर दी हैं, यानी कि उसकी पावर्स ने। मीन्स फिलहाल अभी उसके मन के अंदर पूरी तरह से डार्कनेस नहीं आई है और वो लोगों की भलाई करना चाहती है, लेकिन जब वो अपनी असली पहचान से रूबरू होगी तो वो पक्का अपने फादर की तरह ही तबाही मचाएगी। अब मूवी का एंडिंग सीन आता है जो कि असल में स्टार्टिंग सीन ही है, और मदर सुपीरियर ग्रीस को मारने आई हुई थी, लेकिन वो उसको शूट करे उससे पहले ही एक कार उनको हिट करके खत्म कर देती है, और ग्रीस के उसी रूप ने उसको फिर से बचा लिया था, या फिर ये कहें कि उसके गार्डियन एंजल ने। यानी कि यहाँ पर मदर सुपीरियर इतना कुछ होने के बावजूद जूद भी उसको मारने आई थी, लेकिन अल्टीमेटली उसने खुद को ही बचा लिया। और जो माइकल की बात थी कि ग्रेस के पास में एक गार्डियन एंजल है, वो बात बिल्कुल सच हो जाती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्सेक्रेशन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और मैंने आपको मूवी के अंदर ही सारी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन बता दी है। यहाँ पर जो ग्रेस थी वो डेविल की ही बेटी थी, जो कि बहुत सदी से यहाँ पर थी, जिसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली चलता है, या फिर ये कहें कि चलता ही नहीं। लेकिन एक एक्सीडेंट होने के बाद में या फिर पानी में डूबने के बाद में उसके दिमाग में थोड़ी सी उसकी याददाश्त कम हो गई थी, जिसके बाद उसको अपनी शक्तियों का अंदाजा पूरी तरह से नहीं था, यानी कि वो भूल चुकी थी कि वो ल्यूसिफर की बेटी है और उसको धरती के ऊपर तबाही लानी है। अब वो इसके ही विपरीत काम कर रही थी और लोगों की भलाई कर रही थी, यानी कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, लेकिन ये कब तक रहेगा ये हम नहीं कह सकते। उसके भाई माइकल ने खुद की जान इसलिए ले ली क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर डार्कनेस कभी भी आ सकती है, और वो ग्रेस के बारे में भी सब कुछ जानता था कि वो है कौन। और चर्च के लोग तो हमेशा से ही जानते थे कि वो है कौन, वो ल्यूसिफर की बेटी है, उनको हमेशा से पता था, और वो उसको हमेशा कंटेन करके रखना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, जिसका सिंपल सा रीजन ये है कि चर्च के अंदर बहुत सारे लोग खुद ही करप्ट होते जा रहे थे, जिसके चलते वो इस रेलिक यानी कि ग्रेस की पावर्स को इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके चलते वो वहाँ से भाग गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।